भारतीय जनता पार्टी में अब अनिल विज का चैप्टर बंद हो चुका है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें अनिल विज को जगह नहीं मिली, न उनसे पूछा गया, न किसी ने उनसे बातचीत की। इसके साथ ही राव इंद्रजीत का वीटो भी अब पार्टी में नहीं चलेगा। कुलदीप बिश्नोई को भी पार्टी बहुत ज़्यादा तवज्जो हरियाणा में नहीं देगी। ये तीन संकेत आज हरियाणा जो मुख्यमंत्री नायब सेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, ये तीन संकेत दे दिए हैं। सिर्फ वही नेताओं को हरियाणा में नायब सैनी के टीम में जगह मिलेगी जो यस बॉस की भूमिका में रहेंगे। यानी हरियाणा में बेशक से मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सुपर पावर की भूमिका में अभी भी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। जो आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, उसमें वही चेहरे शामिल किए गए हैं जो खट्टर कैंप में माने जाते थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की एकजुटता का संदेश देती रही है, लेकिन आज जिस तरह से अनिल विज ने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के खिलाफ मोर्चा खोला है, इससे यह भी साबित हो गया है कि बहुत दिनों से इन नेताओं के बीच अनबन थी और पार्टी में एकजुटता नहीं है। हालांकि अनिल विज पहले भी कई मौक़ों पर अपनी जो दहाड़ है वो दिखा चुके हैं। CID को अपने अंडर लेने के ऊपर बहुत लंबा विवाद चला था। इसी तरह पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय का काम छोड़ दिया था और खुले कह दिया था कि विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे। आखिरकार उन्हें मनाया गया एक दिन पहले और जो स्वास्थ्य विभाग की DG थी उनको पद से हटाकर उनका मान सम्मान रखने के लिए उनको HPSC का मेंबर बनाया गया। तो जिस तरह से आज अनिल विज अम्बाला में थे और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अम्बाला में थे, नायब सिंह सैनी अम्बाला ज़िले के रहने वाले हैं, नारायणगढ़ उनका हलका है और नारायणगढ़ हलके के होने के बावजूद आज जिस तरह से अपने गृह ज़िले अम्बाला में पहुंचे, अनिल विज मुख्यमंत्री नायब सैनी के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुँचे। और उधर नायब सैनी भी अनिल विज के घर नहीं गए। इससे पहले जब भी अम्बाला में खट्टर पहुँचते थे तो वो अनिल विज के घर जरूर जाते थे। यानी कि अब पार्टी ने अनिल विज को साइडलाइन कर दिया है, न उनके किसी तरह से मान मनोबल की। और ये सब क्यों हुआ? ये सब उस दिन हुआ जिस दिन नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने की जो मीटिंग चल रही थी हरियाणा निवास में, और जिस तरह से खट्टर ने उस मीटिंग में अर्जुन मुंडा और जो दूसरे नेता थे जो केंद्रीय पर्यवेक्षक थे, जिस तरह खट्टर ने नायब सैनी का नाम आगे मुख्यमंत्री के लिए रखा, उसी समय विद्रोह करते हुए अनिल विज बाहर निकलाए, संजय उनको मनाने के लिए आए थे, उसका पूरे हरियाणा में बहुत गलत मैसेज गया और जो भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक था। यानी कि ये पार्टी में ये हो गया था कि आप जो शीर्ष नेतृत्व है उसके फैसले को नकारने की बात रख सकते हैं। जो इस तरह खुलकर पार्टी के जो फैसलों का विरोध करेगा, तो पार्टी ने भी ऐसे नेताओं को खुडे लाइन लगाने की फैसला कर लिया है। तो खुडे लाइन अनिल विज को हरियाणा में लगा दिया गया है, ना उनको किसी तरह का मंत्रिमंडल में जगह दी गई, ना उनसे कोई बातचीत की गई। उन्होंने भी कह दिया कि मुझे कोई मनाने नहीं आया। अनिल विज नायब सिंह सैनी से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके नीचे वो काम करना नहीं चाहते। तो एक संकेत तो ये भी मिल गया है कि अगली बार जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अनिल विज को विधायक की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी चुनाव लड़ने के लिए, या उनको साइडलाइन करके नए चेहरे को आगे ला जाएगा। जिस तरह के फैसले भाजपा लेती है उससे इसी बात की संभावना ज़्यादा है कि अगली बार नया चेहरा अम्बाला कैंट से भाजपा की टिकट पर कोई आ सकता है। पहली बात यह। दूसरी बात राव इंद्रजीत। राव इंद्रजीत दक्षिण हरियाणा के अहीर बेल्ट के बहुत बड़े नेता हैं। वो भिवानी महेंद्रगढ़ से कई बार MP रहे, अब वो गुड़गांव से भी MP हैं और उस इलाके में उनका बड़ा नाम है और पूरे इलाके में दक्षिण हरियाणा में जो अहीर बेल्ट की कई सीटें उनका प्रभाव है। खट्टर की जो पिछली दो सरकारें थी, 2014 मुख्यमंत्री बने, 2019 में बने, तो दोनों सरकारों में उन्होंने अपने मन मर्जी से दो दो विधायकों को मंत्री बनवाया अपने पसंद के। पिछली बार अभय सिंह यादव जो रिटायर्ड IAS हैं, दूसरी बार MLA बन के 2019 में जीते थे, खट्टर उनको मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन राव इंद्रजीत का वीटो हर बार लग जाता था और वो अपनी पसंद के दो विधायकों को हरी बेल्ट से मंत्री बना लेते थे। लेकिन अब नायब सिंह सैनी ने, या कहें कि खट्टर ने, एक तरह से उनके वीटो को जीरो कर दिया है और अपनी पसंद के अभय सिंह यादव नांगल चौधरी से जो MLA हैं उनको मंत्री बना दिया है।
तीसरा एक नाम है भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं, कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उपचुनाव हुआ उसमें जीते 15,000 के लगभग वोटों के अंतर से। राजस्थान में उनको सह प्रभारी की भूमिका मिली कुलदीप बिश्नोई के, और ये चर्चाएं थी कि उनके बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। गुरुग्राम में जब प्रधानमंत्री आए हुए थे वहाँ भी कुलदीप बिश्नोई को मंच पर जगह नहीं मिली, यानी कि भाजपा कुलदीप बिश्नोई को बहुत ज़्यादा भाव नहीं दे रही है। सिर्फ उन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो संघ से जुड़े हुए हैं, जो काडर के पुराने नेता हैं। तो तीन संदेश आज भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए हैं, और वही नेता टीम नायब सैनी में जगह पाएंगे जो यश बोस की भूमिका में रहेंगे। आज जिनको मंत्री बनाया गया है, किस तरह से संतुलन साधा गया है, थोड़ा विश्लेषण उसका भी कर लेते हैं। सबसे पहले शपथ ली कमल गुप्ता ने, वैसे समुदाय से आते हैं, और खट्टर की पहली दूसरी पारी में जो 2019 वाली उस पारी में भी वो मंत्री थे, स्थानीय निकाय का कार्यभार संभाल रहे थे। हिसार से वो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, दूसरी बार हैं, MBBS MS किया हुआ है, पेशे से डॉक्टर हैं। तो पूरा जो ये हिसार जो ज़िला है और उसके साथ लगता जींद है, उसके साथ लगता जो फतेहाबाद और सिरसा है, इस बेल्ट को साधने के लिए और पूरा बनिया समुदाय, वहाँ पर जो आपका अग्रोहा में जो वैसे समुदाय का बड़ा धाम है, और उस बनिया समुदाय की जो खुश रखने के लिए और कमल गुप्ता को मंत्री बनाया गया है। उसके अलावा बनिया समुदाय से दूसरे मंत्री बने हैं असीम गोयल, अम्बाला सिटी से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने हैं, और ये उसी समय पता चल गया था जब अनिल विज को मंत्री नहीं बनाया गया, तो भी अब अम्बाला से किसी दूसरी जगह को जगह मिल सकती है। हालांकि अम्बाला से जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है वो खुद अम्बाला ज़िले से हैं, नारायणगढ़ से, तो लेकिन अनिल विज को हटाकर अब अम्बाला से एक और मंत्री बनाया गया है, वो असीम गोयल हैं और युवा नेता हैं, दूसरी बार वो MLA बने हैं, 2014 में थे, 2019 में बने हैं। एक सीमा त्रिखा जिन्होंने आज कमल गुप्ता का दूसरे नंबर पर शपथ ली, पंजाबी समुदाय से हैं, बड़खल विधानसभा से आती हैं, BLLB है, दूसरी बार वो विधायक बनी हैं भाजपा के टिकट पर, तो पंजाबी कोटे से इस बार उनको मंत्री बनाया गया है, और महिला कोटा भी उनके जरिए पूरा कर लिया गया है। अभी मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही महिला हैं, और पिछली बार जो महिला थी वो कमलेश डांडा थी, तो उनकी जगह इस बार पंजाबी कोटे से और महिला कोटे से सीमा त्रिखा को जगह मिली है। उसके बाद जगह मिली महिपाल ढांडा को, पानीपत ग्रामीण से विधायक हैं, बड़ा चौंकाने वाला चेहरा, और पिछली जब पहली बार नायब सैनी ने मुख्यमंत्री शपथ ली थी पिछले दिनों, तो उस समय हमारी राजभवन में उनसे बातचीत हुई थी, इंटरव्यू भी हुआ था, पड़ताल ट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो वो संगठन से जुड़े हुए हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी में संगठन में बहुत अलग अलग पदों पर काम किया है, और जाट होने के बावजूद लगातार दूसरी बार BJP के टिकट पर पानीपत ग्रामीण से जीते हैं। नायब सैनी के भी करीबी हैं, खट्टर के भी करीबी हैं, और इस कारण उनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और तीसरे नेता हैं, पांचवे नेता अभय चौधरी, अभय चौधरी का हमने जिक्र कर लिया, नांगल चौधरी से, उनको भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ दिलाएगी। सुभाष सुधा थानेसर से विधायक हैं, पंजाबी कोटे से जगह मिली है, और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो नायब सैनी के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। आप कुरुक्षेत्र ज़िले में या थानेसर में बातचीत करेंगे, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में बातचीत करेंगे, तो नायब सैनी के सबसे करीबी लोगों में एक नाम सुभाष सुधा का है, और उस नज़दीक का फ़ायदा आज उनको मिला और वो मंत्री पद की शपथ लेने में कामयाब रहे। और ये कहा जा रहा था कि यदि सुभाष सुधा को जगह नहीं मिलेगी तो जींद से जो पंजाबी कोटे से विधायक है डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, उनको जगह मिल सकती है, लेकिन कृष्ण मिड्डा को जगह नहीं मिली। पंजाबी कोटे से आज दो नेताओं ने शपथ ली, सीमा त्रिखा और सुभाष सुधा ने। हालांकि कृष्ण मिड्डा जो हैं वो भी दूसरी बार BJP की टिकट पर विधायक बने हैं, उनके पिताजी दो बार INLO की टिकट पर विधायक बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ये गया कि जब सरकार बनी थी उस समय सियासी गलियारों में मिड्डा के बारे में ये बात फैलाई गई कि वो विज गुट में हैं और विज के करीबी हैं, और शायद यही बात उनके नेगेटिव गई, नहीं तो उनका नंबर इस बार लग सकता था, क्योंकि पूरा जो बेल्ट है, GT बेल्ट है, वहाँ बहुत ज़्यादा मंत्री बन गए हैं। आपका कंवरपाल गुजर भी उसी बेल्ट में है, GT रोड बेल्ट से परला इलाका कहें, आपका असीम गोयल भी हैं, मुख्यमंत्री भी उस इलाके हैं, आपका महिपाल ढांडा भी उसी बेल्ट में। तो जींद से कृष्ण मिड्डा की उम्मीद थी, तो वो सिर्फ इसीलिए जीरो हुई कि उनका ये चर्चाएँ थी कि वो दूसरे गुट में है, और दूसरा फिर सुभाष सुधा की और नायब सैनी की नजदीकियों के कारण भी पंजाबी कोटे से उनको जगह नहीं मिली। और उसके बाद विश्वंबर वाल्मीकि, चौंकाने वाला नाम,
पहले जो हमने दिन में लिस्ट जारी की थी उसमें रतिया से लक्ष्मण नापा, एससी कोटे से उनको जगह मिलनी थी, लेकिन आखिर में विशंबर वाल्मीकि जगह बनाने में कामयाब रहे। राजनीति में कहा जाता है कि आखिरी क्षण तक कुछ भी हो सकता है। वीरेंद्र सिंह को जब शपथ दिलाई जानी थी, आपको जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनको फोन भी आ गया था ऑफिसर का, आखिरी क्षणों में उनका टिकट कट गया था। यहाँ भी लक्ष्मण नापा का नाम फाइनल था, लेकिन आखिरी क्षणों में विशंबर वाल्मीकि मंत्री की शपथ लेने में कामयाब रहे। और एक राजपूत समाज से संजय सिंह अपना जगह बनाने में कामयाब रहे। मुस्लिम बहुल इलाका नू तावड़ू का, वहाँ सोहना से वो विधायक हैं। उनके पिताजी कुंवर सूरजपाल सिंह भी 1996 में वहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो उनको जो राजनीति है विरासत में मिली है, तो संजय सिंह अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। इसी तरह मतलब कुल आज 8 मंत्रियों ने शपथ ली। हरियाणा में कुल 90 विधायक हैं, उनमें से 14 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री के समेत, तो नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी 6 उस दिन हो गए थे, और आज 7 को मंत्री पद की शपथ दिलाने की बात की जा रही थी, लेकिन 8 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, यानी कि अब कोटा पूरा हो गया है। अब हरियाणा में अब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सकता है, किसी नए को मंत्री बनाया जाएगा तो किसी पुराने से इस्तीफा लिया जाएगा, लेकिन अब ऐसी भी कोई संभावना नहीं है। अब इसी मंत्रिमंडल के साथ नायब सैनी लोकसभा चुनाव में उतरेंगे और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में जाएंगे अगली पारी के लिए। इस पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार है, इससे एक बात तो साबित हो गई है कि एक तो बदलाव जो पार्टी कर रही है इस बार, ये हम कहें कि आज जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है इसमें कमल गुप्ता के छोड़ते तो नए चेहरे हैं, तो ये जो नया नया प्रयोग करती है पार्टी, नए लोगों को जगह मिलती है, तो उससे भी पार्टी जो कामयाबी है, ये भी उस पार्टी कामयाबी राज है कि नए लोगों को आगे लाया जाए। मुख्यमंत्री पद में नए लोग आगे आ गए, मंत्रियों को नए आगे आए, उस इलाके में पहली बार मंत्री बने हैं। पानीपत ग्रामीण जैसे इलाका है, लंबे समय बाद उस इलाके को मंत्री की जगह मिली है। बुआणी खेड़ा में बहुत लंबे समय बाद वहाँ उस इलाके के विधायक को मंत्री मंडल में जगह मिली है, तो ये भी एक बीजेपी की कामयाबी का राज है। आज 2 पंजाबी शपथ लेने में कामयाब रहे, 2 वैसे समुदाय से, बनिया समुदाय से, 1 जाट, 1 अहिर और 1 वाल्मीकि। उससे पहले जो नायब सिंह सैनी के साथ शपथ ली थी, कंवर पाल गुर्जर ने, रणजीत सिंह चौटाला ने, मूलचंद शर्मा ने और JP दलाल और बनवारी लाल ने, तो बनवारी लाल भी वाल्मीकि समुदाय से, अहिर बेल्ट से, अहिर बेल्ट के 2 नेता हो गए हैं अब। नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव ने आज शपथ ली, बनवारी लाल पहले ले चुके हैं। जाट समुदाय से JP दलाल, रणजीत चौटाला निर्दलीय पहले ले चुके थे, आज महिपाल ढांडा ने शपथ ली है। पंजाबी कोटे से सीमा त्रिखा और सुधा यादव हो गए हैं और कंवर पाल गुर्जर हैं। ब्राह्मण समुदाय से इकलौते मूलचंद शर्मा हैं और इस तरह से ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। तो आज का मंत्रिमंडल विस्तार एक और बात में मायने रखता है कि अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, लेकिन सुपर पावर जो एक सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुपर CM सुपर पावर के रूप में मनोहर लाल खट्टर बरकरार रहेंगे। जिस तरह से पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस एक तरह से हम ये कहें कि भूपेंद्र हुड्डा अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कई गुट हैं, सुरजेवाला अलग है, श्रुति चौधरी किरण चौधरी अलग हैं, कुमारी सेल्स अलग हैं, लेकिन BJP में अब जो सुपर पावर है, सुपर CM है और सुपर अध्यक्ष सब कुछ है, वो मनोहर लाल खट्टर हैं। पूरा CM जो कार्यालय है या पूरी हरियाणा की भाजपा है, वो मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही चलेगी। ये आज का मंत्रिमंडल विस्तार ने साबित कर दिया है। जो भी खट्टर के नज़दीकी थे, जिनको खट्टर चाहते थे और वो नायब सैनिक ही भी पसंद थे, उन्हीं लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ऐसे खुर्राट नेताओं को जो कि मंत्रिमंडल में कभी भी मुख्यमंत्री नायब सैनिक को आँख दिखा दे, तो ऐसे नेताओं को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है। आप इस विश्लेषण पर क्या कहते हैं, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। पड़ताल TV चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा की हर तरह की जो राजनीति की खबरें हैं, मोटिवेशनल खबरें हैं, सोशल खबरें हैं, उसके लिए हमारे साथ बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।